अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो काफी दिनों से आपके पास वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, तो मैं दोबारा आपके लिए डिजाइनिंग लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं थोड़ा बिजी था अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में काम इतना होता है कि बस, और टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत डिजाइन लेकर आया हूँ। मेरे ब्लॉग्स आपको मिल रहे होंगे शॉर्ट्स के अंदर, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत है, मून लाइट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक है, तो आपने लाजमी देखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डिजाइन दिखाता हूँ। ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, यही असर वाला है, और इसके साथ जो इसके नेक का डिजाइन ऐसा है। ये वीडियो पूरी मैंने बनाई थी लॉन्ग वीडियो, मगर आपको पता है ना स्टोरेज इशू होता है, जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई। पूरी डिटेल वीडियो थी, दुपट्टा वगैरह सब कुछ था मेरे पास। अभी शर्ट आई थी, कुछ इसमें मसला हो गया था, उनकी मेजरमेंट से आउट थी, उनको लूज लग रही थी, फिर ये टाइट के लिए आई है फिटिंग के लिए। तो ये इसके स्लीव्स के ऊपर डिजाइनिंग करी थी मैंने, इसके नेक के ऊपर करी थी, और इसके स्लीव्स जो ये भी मैंने पतली बनाई है, इस पर अस्तर लगाया था पूरा सूरज, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। इसके दामन के ऊपर डिजाइनिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने इसके दामन के ऊपर ये पर्ल्स लगाए, ये हाथ से लगाए। आप लोग बेल भी ले सकते हैं, मगर बेल से वो बात नहीं आती। अंदर मैंने फोल्डिंग पट्टी सेम कलर की लगाई है, जो खूबसूरत लग रही है, और दुपट्टे की पिक्चर जो है आप लोग को शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये दुपट्टा, तो ये कटवर्क जो है आप लोग बाहर से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, करना चाहे। खूबसूरत सा मैंने ये वाला एक बंच निकाल लिया था इसका दुपट्टे के ऊपर, इसको हम पल्लुओं पे ऐसे लगाएंगे। और ये मैंने इसके फैब्रिक से निकाले, जो कपड़े का फ्रंट साइड था, उसके फ्रंट साइड के अंदर से मैंने इसको किसी काहिए से या किसी अगरबत्ती से, आप लोग जैसे भी काहे उसको कटवर्क करते हैं उस तरह से कटवर्क करवा लें, या खुद कर लें या खुद करवा लें, बहुत आसानी से हो जाता है। या ग्लू होता है जैसे मॉस्किटो ग्लू, उसको जला के आप उसे कॉर्नर्स कट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने उसको निकाला है, तो एक पल्लू के ऊपर ये 10 लगे हुए हैं। इस तरीके से आप लोग क्रिएटिविटी इसको नेक पे लगा सकते हैं, उसको दुपट्टे के पल्लू जैसे हो गए, साड़ी हो गई, कुछ भी आपको मोटिव मिले, या सूट का भी नहीं हो आपके पास रखा हो तो आप लोग उस पर भी लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आप डिज़ाइनिंग देखते हैं। वो मैंने लगाया था, ऐड करा था दुपट्टे के साथ, दुपट्टे की लुक बहुत खूबसूरत आई थी, एक न्यू लुक थी जैसे डिज़ाइनर सूट हो। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त था, तो मैं आपको दूसरा वाला भी सूट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और ये ड्रेस था, ये जो था गुल अहमद का था, यस गुल अहमद ब्रांड का सिल्क का सूट है ये, इसकी दुपट्टा भी सिल्क का है और इसकी शर्ट भी सिल्क की, बहुत खूबसूरत सा प्रिंट है। इसके साथ ही इसका नेक था, मल्टी पे दुपट्टा है, और शर्ट जो ये ब्लैक एंड व्हाइट पे, तो इसके ऊपर हमने नेक बनाया, बाहर से लगवाया था, ये नेक अलग से था, तो उसकी एम्ब्रॉयडरी करवा कर ऐसे ही आसानी से लग जाता है, आप लोग भी लगवा सकते हैं सब डिज़ाइनिंग। और इसकी स्लीव्स के ऊपर जो ये बेल लगाई है ब्लैक कलर की सिक्वेंस वाली, बहुत खूबसूरत लग रही है जो। और इसका दुपट्टा जो हमने बनाया है, इसके दुपट्टे के पीछे हमने फोल्डिंग पट्टी लगाई है इसकी शर्ट के कलर की, और इसके ऊपर से हमने लेस लगाई है एक अलग सीक्वेंस वाली, जो बहुत खूबसूरत शाइनी सी लग रही है, बहुत प्यारी लुक आई है। ये बेल हमने इसलिए लगाई है ताकि दुपट्टे के ऊपर एक वेट आ सके और एक अच्छी सी लचकदार लुक आ सके। ये इसका दामन वगैरह है शर्ट का, इसके साथ जो पैंट ट्राउज़र था उसका प्रिंट जो है डिफरेंट था, उसका प्रिंट जो है ये वाला, तो उसका प्रिंट जो डिफरेंट था। और ये खूबसूरत सा ड्रेस जो है ये रेडी हो चुका है। मैं आपको एक और ड्रेस दिखाता हूँ, बट वो प्रेस नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट उसके लिए बहुत अच्छा मशवरा मिल जाएगा आप लोगों को, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है वो ड्रेस, बहुत खूबसूरत सा, ये प्रेस नहीं है इसलिए आपने माइंड नहीं करना बिल्कुल भी। ये जो है मेरीना फैब्रिक था, बहुत खूबसूरत सा फैब्रिक है, इसके अबाय के तौर पर मैंने आपको दिखाया। ये फ्रॉक भी है, मगर जो लड़कियां हैं जो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं उनके लिए बहुत प्यारा अबाय का फैब्रिक भी बन सकता है ये। इसकी स्लीव्स मैंने कुछ इस टाइप की बनाई हैं, इसके अंदर इलास्टिक लगाई है, थोड़ी सी बैगी स्टाइल में है ये, और इसके मैंने चेस्ट पर बिल्कुल चुने दिए, चेस्ट से थोड़ी सी ऊपर साइड पर है, 7 इंचज़ की तकरीबन ये बॉडी है, और फ्रंट पर मैंने प्लैकेट बनाई है इसकी, और वेस्ट पर जो इसकी इलास्टिक लगाई है, जो अगर आप लोग अबाया बनाएं तो आप लोग इलास्टिक नहीं लगाएं, क्योंकि ये इलास्टिक के बगैर इसकी लुक बहुत खूबसूरत आएगी अबाय के अंदर, क्योंकि एक सिक्योर एंगल मिल जाएगा आप लोगों को। इसकी बैक है, बैक के ऊपर भी इसकी ऐसे चुने हैं और वेस्ट पे ऐसे चुने हैं, तो आपने वेस्ट पे चुने नहीं देनी अगर अबाया बनाना है। फिर आप लोग एक रिबन का बेल्ट वगैरह लगा सकती हैं, जैसे आजकल अबाया में चल रहा है, बहुत खूबसूरत लगेगा वो भी। इसके प्रिंट्स बहुत खूबसूरत है, बहुत फ्रेश कलर है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये खूबसूरत डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये मून लाइट फैब्रिक के ऊपर है। मून लाइट फैब्रिक को स्टिच करना इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए इसको स्टिच करना। मैंने ले तो लिया था, मगर ये बहुत मुश्किल से स्टिच हुआ, मगर कोई बात नहीं, हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी हमने स्लीव्स बनाई है, पतली पतली स्लीव्स बनाई है इसकी, खूबसूरत सी लुक लगाने आई है इसकी। इसका कंट्रास्ट जो पर्पल कलर का, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रास्ट आजकल मार्केट पर आ चुके हैं। तो पहले जो है हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, इसके साइड पर हमने डिज़ाइनिंग करी है वेस्ट पर लूप्स की, जिन पे पिक्चर देख रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन देख के मेरे पास ये वाला डिज़ाइन का ऑर्डर आया था कि इसको ऐसा डिज़ाइन करना है, तो फिर मैंने इसके ऊपर भी ये वाली डिज़ाइनिंग करी है, लूप्स लगाएं,
पूरे चाक पर, और ये बटन लगा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत यूनिक डिजाइन है। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक अलग ही, एक प्यारी से लुक आ रही है। इसके साथ ये स्टिच करना बहुत मुश्किल था, बट कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन आप लोग इसको सोच समझ के स्टिच करिएगा, क्योंकि इस पर आम सिलाई इतनी मुश्किल से लग रही थी तो लुपियाँ कितनी मुश्किल से लगेंगी। ये इसके दामन के ऊपर हमने लगाया है, फोल्डिंग पट्टी लगाई है। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र बहुत खूबसूरत अपने डिज़ाइनिंग के ऊपर हमने बनाया है। ये जो एक क्रिंकल फैब्रिक कहलाता है, आजकल मार्केट में आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही नहीं तो इसका हमने फर्शी ट्राउज़र टाइप बनाया है, जैसे प्लाजो होता है लाइक इस टाइप का। ये जो है इतनी हाइटेड लड़की का नहीं है, मेरी मैनिक्विन जो ज़्यादा हाइट पर है, ये लॉन्ग शर्ट है बिल्कुल नीचे तक। और इसका दुपट्टा जो है नेट फैब्रिक पर है, आप लोग शेफोन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं इससे मिलता जुलता। सॉरी गिरी गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे डिज़ाइन पसंद आए होंगे, आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। न्यू ब्लॉग्स इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि खुजामा की तबीयत खराब है, आजकल हमारा एक दो दिन से हम इंस्टीट्यूट नहीं गए, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ब्लॉग्स मिलना शुरू हो जाएंगे और मेरे यूट्यूब पर भी लॉन्ग वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये वाली वीडियो पे भी अच्छे से कमेंट करना है, रिस्पॉन्स देना है और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल।